नाउ इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 18th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है बॉम्बे के बहुत ही यंग एंड अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे जिनका नाम है रफिक्स। मेरे भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, बताइए आप कैसे? आई एम डूइंग ग्रेट यार, अमेजिंग। बहुत बढ़िया, क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? बस सब बढ़िया भाई, अपना काम चालू है। वो दिख रहा है भाई, यू नो काम चालू है, खतरनाक और अच्छा काम आप करते हो यार। मैं यू नो आई एम अ फैन ऑफ योर म्यूजिक। थैंक यू भाई, थैंक यू। इसके अलावा और क्या बोले, अभी कुछ आ रहा है काम क्या? क्या अभी तो वैसे अभी लेबल के साथ, अभी बंडा रिकॉर्ड्स के साथ अभी वो काफ़ी सारे ट्रैक्स लाइंड अप है। हाँ, तो फिर अभी उन पर वो काम चालू है और मैं कुछ और भी कुछ रीमिक्सेस पे भी काम चालू है मेरे कुछ। ओ ग्रेट यार भाई, सही है। ऑल द बेस्ट भाई, यू नो जितने भी थैंक यू प्रोजेक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू भाई। म्यूजिक में यू नो कैसे आप आए? एक्चुअली मेरी मम्मी सिंगर थी। अरे हाँ, तो मम्मी काफ़ी यंग एज से मॉम सिंग करती थी, मम्मी के शोज होते थे। क्या नाम है आंटी जी का? हाँ, आंटी जी का नाम क्या है? कविता नाम है। ओके। हाँ, तो फिर उनके काफ़ी शोज होते थे और मैं काफ़ी मैं छोटा था, आई वॉज वेरी यंग, तो उस टाइम पे वो मम्मी शोज करती थी और उस टाइम पे लाइक वो मम्मी फिर वो गाती थी तो अच्छा भी लगता था कि मतलब भाई वो म्यूज़िक कितना अच्छा है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा हो गया कि व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड, 10 या 12 साल का था, तो उस टाइम पे आई गेस बॉलीवुड काफ़ी अच्छा वो चल रहा था। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे मैं एक डांसर भी था, आई वाज अभी वो डांसर। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मैं डांसर था, तो फिर उस टाइम पे मैं डांस भी वो करता था, उस टाइम पे वो काफ़ी चल रहा था, वो क्रेजी डांस का वो काफ़ी था। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया, फिर मेरे एक कज़न वो भाई है, तो फिर वो एक दिन आया, वो घर पे आया ऐसी, तो फिर उस टाइम पे तो सीडीज़ होती थी, डीवीडीज वीसीडीज, सीडी में फिर वो राइट मार के लेके आए थे सब सॉन्ग्स, उसमें एकॉन, 50 सेंट, एमिनम, सबके वो गाने थे। तो फिर मैं वो फिर हर शाम को आता था, प्ले करता था, मैं सुनता था, अब देख भाई अच्छा लग रहा है। उस टाइम पे क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम कुछ इमेजिन, मतलब मैंने कुछ नोटिस किया था कि भाई ऐसा भी कुछ है। हाँ। क्योंकि भाई अपन तो बॉलीवुड मतलब बचपन से अपन वही वो सुनते आ रहे हैं, मुझे डांस में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मुझे फिर वो म्यूज़िक से काफ़ी वो कनेक्शन हुआ कि मतलब भाई हिप हॉप है थोड़ा, और उस टाइम पर मैं डांस भी करता था, तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा हो गया, तो फिर इंटरेस्ट आने लग गया मुझे, स्लोली स्लोली इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, फिर उसके बाद अपना मैं 10th क्लास में था, 11th में आया, तो फिर मेरा एक दोस्त था, तो फिर वो बोलने लग गया कि ब्रो, उस टाइम पे आई गेस EDM काफ़ी ज़्यादा वो पॉपअप हो गया था अपने एलन वॉकर के टाइम पे, तो फिर वो बंदा बोला कि ब्रो मैं कुछ तो मैं म्यूज़िक में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं सोचता था म्यूज़िक क्रिएट करना तो बहुत टफ होएगा, तो मैं हमेशा मैं सोचता था कि यार जो म्यूज़िक क्रिएट करते हो कितना डिफिकल्ट काम है, मैं तो कभी वो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलता था। तो फिर एक दिन मैं घर गया उसके, तो फिर उसने दिखाया मुझे कि भाई FL स्टूडियो है, तो उसमें ऐसे बट वो भी काफ़ी सीख रहा था, वो भी एकदम नया नया था, तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट आया, तो मैं घर आया, मैं देखा, तो फिर ट्राई किया, बट वो नहीं हुआ स्टार्ट में, बिकॉज ऑफ कोर्स भाई वो थोड़ा इंटरफेस ही नया था, तो फिर मेरे लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट था। FL स्टूडियो इतना बड़ा? हाँ, उस टाइम पे FL स्टूडियो मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगता था कि भाई क्या है इसमें, कैसे होएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा बीच में फिर मैंने थोड़ा छोड़ दिया, फिर वापस से इंटरेस्ट आया, फिर थोड़ा स्टार्ट किया मैंने स्लोली स्लोली, थोड़ा यूट्यूब्स पे ट्यूटोरियल्स में देखे। हाँ। चालू किया, ये सब हो गया, फिर 11th हो गया, 12th हो गया, फिर ये फर्स्ट ईयर में थोड़ा मेरा अच्छा इंप्रूव हो गया, जब मैं ये फर्स्ट ईयर था, 2019 की बात है, तो फिर कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पे सब कुछ एकदम स्टॉप ही हो गया सब कुछ। ठीक है, वो घर के वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो फिर मैं सोचा कि भाई वो घर पे ही अब कुछ कर लेते हैं, तो मैंने पूरा टाइम मैंने पूरा वो म्यूज़िक में दिया, उसको अच्छे से किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, तब जाके फिर मैं थोड़ा हो गया मेरा कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूँ, तब जाके फिर मैंने स्टार्ट किया मैंने अपलोड वो करना। ग्रेट यार, यू नो कोरोना के टाइम पे आपने और अपने स्किल्स को बेटर बनाया, एंड उसके बाद यू स्टार्टेड पुटिंग योर म्यूजिक ऑन यूट्यूब। ग्रेट यार, बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी होमवर्क अच्छा करा आपने। हाँ, और ये ना मेरे को सेम स्टोरी डिवाइन भाई की भी है, जैसा आपने बताया ना कि उन्होंने डिवाइन भाई का कोई फ्रेंड था, उसने 50 सेंट की टी शर्ट पहनी हुई थी, 50 सेंट की, राइट, 50 सेंट की, उसने पूछा ये कौन है, बोले 50 सेंट है, फिर उन्होंने एक उसके दोस्त ने एक सीडी राइट करी गानों की जिसमें 50 सेंट के गाने थे, तो उन्होंने सुना, तो बोला कि अच्छा ये रैप म्यूजिक है, ये हिप हॉप म्यूजिक है, अच्छा ये 50 सेंट है, तो काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरी होता है, लाइक उस टाइम पे था कि सबके साथ शायद से ऐसे ही हुआ रहेगा, सीडी का टाइम था, ब्लूटूथ से ये फोन से लो, फिर वही होता था पूरा। ग्रेट यार, मतलब काफ़ी अच्छा यू नो आपने होमवर्क करा, उसके बाद यू नो
धीरे धीरे अपने गाने अपने इंटरनेट पे आई थिंक यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करे। यार आपके जो यू नो चलो स्टार्टिंग बी बॉय से थी रहा, उसके बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर, हाँ तो अभी छोड़ दिया बी बॉय? अभी मैं कभी कभी मैं करता हूँ यार, मतलब वो एक चीज़ है जो मैं बचपन से मैं करता रहा हूँ, और जो अपन चीज़ बचपन से वो करते हैं तो फिर उसको वो छोड़ना मुश्किल रहता है। आज भी मैं करता हूँ, आज भी मैं अकेला रहता हूँ, बट कभी कभी मन किया डांस करने का तो फिर मैं डांस कर वो करता हूँ, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं है पूरा। बस ऐसे ही कि मैं भी इतना मैं करता नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा सा बैक स्टेज पे रख दिया उसको, लेकिन रखता हूँ म्यूजिक एज अ करियर फर्स्ट स्टेज पे। ग्रेट भाई ग्रेट, ये भी सही है। मतलब हाँ मुझे लगता है कि एक बार आप कोई चीज़ सीख लो तो फिर वो आप कभी भूल नहीं सकते, और आगे आपके काम ही आती है इन फ्यूचर। मुझे याद है कि जैसे मैं बात करता कि मैंने आपका यू नो म्यूजिक सुना, दो गाने जो आप रिमिक्स कर दो गानों को जोड़कर आप जो एक रिमिक्स बनाते हो वो बहुत क्रेजी काम करते हो, और आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू और अर्लीस्ट आर्टिस्ट जिन्होंने ये यू नो शुरू किया था। एक मुझे याद है आपका कृष्णा और एमिनम का, राइट, वो आपने बनाया था बहुत सही, एक था हम पे किसने हरा रंग डाला डिवाइन भाई के साथ, और एक ब्लिटसन काशिफ का जो था तू नशा, वो रील्स से बहुत फटे, रील्स पे काफी ज्यादा हुआ है। तो जितने भी यू नो लोग देख रहे हैं जो रील्स पे वीडियो बनाते हैं म्यूजिक, वो इन भाई साहब के भी हैं काफी सारे गाने जो रील्स पे बहुत वायरल हुए थे। तो ये मुझे बताओ कि ये आइडिया कैसा है कि नो दो गानों को लेके एक अच्छा सा रिमिक्स बनाता हूँ देन इंटरनेट पे अपलोड करूंगा फिर इंस्टाग्राम पे। एक्चुअली उस टाइम पे लोग ऑलरेडी वो कर रहे थे, बट वो हिप हॉप में मैंने देखा नहीं था, अगर कोई वो कर भी रहा था तो फिर मुझे मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो फिर लोग बाकी का कर रहे थे, बॉलीवुड का कर रहे थे, तो फिर मेरे माइंड में बस अचानक से आया कि यार मैं ये वाला मैं करूँ तो फिर क्या पता अच्छा हो, और मैंने ऐसे ही डाल दिया, मेरा कुछ इंटेंशन भी था। कौन सा था फर्स्ट सॉन्ग आपका? मेरा वो कृष्णा और अपना एमिनम का, एमिनम वाला, अच्छा वही फर्स्ट था वो आई गेस DHH का सबसे ये फर्स्ट था, तो वो डाला, फिर उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब मासेस को रीच हुआ, तो फिर मुझे समझने लग गया कि यार ये चीज़ इंडिया में काफ़ी अभी है, अभी इसको लाना पड़ेगा, तो फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने सबका स्टार्ट किया करना, और सारे लोग को पसंद भी आया, ऐसे लाइक सारे आर्टिस्ट ने मुझे मतलब सपोर्ट किया है, और DM पे भी उन्होंने मुझे अपना मैसेज वो करके उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, तो फिर वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं वो करता गया। ग्रेट भाई सही यार, मुझे लगा कि वो जब मैं सुन रहा था, मैंने बहुत सारे सुने, मैंने यार ये बहुत सही अच्छा काम करते हैं भाई करके, फिर आपसे भी मेरी बातचीत हुई इंस्टा के थ्रू ये करके, फिर देखो ये सब आप कर रहे थे रिमिक्स, उसके बाद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ओरिजिनल बीट्स। यस यस, टेल मी अबाउट दैट। एक्चुअली क्या हो गया था उस टाइम पे, मैं म्यूज़िक को मैं बिजनेस वाइज में कर नहीं रहा था, मैं बस अपने लिए मैं कर रहा था उस टाइम पे कि हाँ भाई चल ठीक है अच्छा लग रहा है लोगों को मैं कर लेता हूँ, बट फिर बाद में फिर मुझे हुआ कि यार अभी इतना अच्छा खासा भी हो रहा है, सो मुझे थोड़ा यू नो पर्सनलाइज मुझे कुछ बीट्स मुझे लोगों के लिए वो करना चाहिए, तो उस टाइम पे फिर काफ़ी लोगों के साथ मैंने काम किया उस टाइम पे, फिर मुझे थोड़ा समझा कि आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन दैट ऑल्सो। ग्रेट भाई, वो भी यू नो अच्छे अच्छे बीट्स में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ आपने काम करा हुआ है, बट अब इतना रिमिक्स नहीं निकालते ना आप? अभी मैं थोड़ा शांत हो गया, मैं थोड़ा अब वो भी मैं अपने आप को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं और मैं क्या क्या मैं कर सकता हूँ, और भी मतलब और भी क्या क्या है चीज़ें वो करने के लिए, तो फिर मैं वो भी थोड़ा और मैं ऑल्सो मैं अपना डीजिंग पे मैं थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, और थोड़ा और भी कुछ है चीज़ें। क्या क्या लिस्ट बनाई आपने? हाँ ये मेरे को सीखना है इन फ्यूचर। मुझे पहले तो लाइक काफ़ी कुछ है, लाइक मुझे प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्शन में भी काफ़ी कुछ होता है, लाइक कोई भी एक परफेक्ट म्यूजिशियन नहीं होता, सब में वो कुछ कुछ ऐसी वो बातें होती है जो फिर मतलब जो उन्हें सीखनी पड़ती है, तो फिर मैं भी अपने आप को ऐसे ही मानता हूँ कि मुझे काफ़ी कुछ अभी सीखना वो बाकी है, मतलब नया नया दिन हो गया, हमें कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो फिर वो चीज़ मैं अपने आप को मैं थोड़ा उसमें भी टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा मैं डीजिंग के ऊपर मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ अपने आप को, तो अभी ये बस ये चीज़ के ऊपर मैं बस मैं थोड़ा ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, बट आई विल बी बैक अगेन। ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई, यू नो जितने भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें सब अच्छा ही करो, इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं बॉडी वॉडी काफ़ी बना रहे हो, दैट्स गुड, थैंक यू भाई, ये करके थैंक यू भाई। तो रिमिक्सेस वापस आएंगे? यस। अभी आप ओरिजिनल म्यूजिक बीट्स पे इन सब पे काम कर रहे हो? हाँ, मैं वो भी सबको मैं कंटिन्यू मैं करूँगा, बिकॉज मैं वो पहले मैं थोड़ा एक को मैं ऊपर करता था तो फिर मैं एक को मैं नीचे रखता था, तो फिर वो चीज़ मुझसे वो थोड़ा
आई गेस वो एक मेरे लिए थोड़ा एक डाउनग्रेड था कि मैं वो चीज़ को मैं ज़्यादा मैं वो पुश कर रहा था, बट अभी ऐसा नहीं है. अभी मैं थोड़ा हर एक चीज़ को मुझे वो बैलेंस वो करना मुझे भी सीखना है, तो फिर मैं अभी जस्ट मैं वो बैलेंस करना मैं सीख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें वो मतलब मुझे अभी अचीव वो करनी चाहिए. ऐसा क्या क्या लिस्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप अचीव कर चुके हो, क्या क्या चीज़ आपको यू नो मुझे अचीव करनी है? मुझे बेसिकली मुझे अभी काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मुझे काम करना है काफ़ी ज़्यादा, और मुझे और भी मेरे म्यूज़िक को मुझे अपने मतलब लोगों तक मुझे पहुँचाने हैं. मुझे वो काफ़ी कुछ है, मेरे कंप्यूटर में मेरे इतने सारे वो गाने हैं जो अभी तक आए नहीं है लोगों के सामने, तो फिर मैं बस धीरे मुझे उसको वो पुश करना है. ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू. धीरे धीरे करो और ज़्यादा गेम आपका बड़ा होता है स्लोली स्लोली. यस भाई, थैंक यू. अच्छा मुझे याद भी आ गया, मैंने देखा था कि कॉलेज में भी जाते हो आप, तो जज आजकल जज कर रहे हो. हाँ हाँ है ना. यस यस. बताओ जरा थोड़ा सा बताओ कि कितने फैंस मिल जाते हैं, यू नो रैप बैटल जज कर रहे हो तो क्या कर रहे थे? हाँ लाइक रैप बैटल हो गए तो फिर जो भी मतलब जो म्यूजिकल मतलब जो डीजे हो गया. हाँ तो वो मैं जज में करने जाता हूँ. अच्छा लगता है लोगों को मैं देख रहा हूँ वो. कभी कभी तो मैं खुद के मैं कॉलेज में गया हूँ. अरे वाह, ये स्टोरी बताओ यार. ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी सोचते यार कि हमें ये सब चीज़ें भी वो करनी है. हाँ. तो मेरे टाइम पे भी था, मैं वो कॉलेज में जब मैं था तो मतलब कुछ भी वो होता था इवेंट. Yes. तो मैं देखता था कि भाई जजेस आ रहे सब कितना अच्छे से वो उनको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है. हाँ. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगती थी कि यार लाइक बहुत सही हो रहा है. तो फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जजिंग के लिए मैं जाने लगा तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज एज अ यंग आर्टिस्ट के लिए तुम ये चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो फिर वो काफ़ी अच्छी बात होती है. उससे फिर तुम्हें लाइफ में काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, काफ़ी कुछ एक नई नई भी चीज़ें आती हैं ना लाइफ में, तो फिर हमारे रास्ते और जो हमारे जो माइंड रहता है ना वो एकदम फैल जाता है अच्छे से. तो फिर वो एक चीज़ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आज भी ट्राई वो कर रहा हूँ कि मतलब मैं और भी अच्छे से मैं करूँ अपने आप को, मैं रिप्रेजेंट करूँ. बिकॉज अगर तुम कहीं जा रहे हो तो फिर तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, और अगर मैं कॉलेज में गया तो फिर मुझे कॉलेज में लोग अच्छे से मुझे जानते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं. हाँ वो भी एक ना कि भाई हमारे कॉलेज का ही बंदा पास आउट हो गया, देखो यू नो ये कर रहा है लाइफ में, इतना अच्छा काम कर रहा है, इसको आज इसी को जज बुलाया. राइट राइट. हाँ वो एक मतलब अच्छा भी लगता है, और ऊपर से जो दोस्तों भी थे हाँ वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे उस टाइम पे, और आज भी है, तो उनको भी मतलब देख के वो प्राउड मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वो प्राउड होता है फील कि यार कि हमारा लाइक हमारे क्लास का बंदा था जो भी था हमारे साथ वो कॉलेज में था. और ये सब चीज़ें हुए आई गेस दो या तीन साल के अंदर ही हो गया. हाँ. मैं कॉलेज मेरा वो पास आउट हुआ उसके अगले साल ही आ गया था मैं शायद से, तो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था वो चीज़. नहीं अच्छा यार, इट्स एन अचीवमेंट यू नो. यस भाई, इतनी मेहनत करी है. यस यस. और यू नो चीज़ें हो रही हैं, दैट्स एन अचीवमेंट, दैट्स अ ग्रेट थिंग यार. फ्यूचर में और ऐसी चीज़ें और. यस. अच्छा आप पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर उसके बाद आप बंटे रिकॉर्ड से साइन हो गए. यस. सो ये कैसे हुआ? जब मैं रिमिक्सेस में क्रिएट में कर रहा था तो उस टाइम पे एमवे भाई का मैंने वो क्रिएट किया था. तो फिर डीएम पे बात हुई थी मेरी उनसे, चैट कर रहा था उनसे, उनको भी अच्छा लगा मेरा काम, तो फिर मैंने उनको कुछ बीट पैक सेंड किए मैंने. तो सेंड किए तो फिर उसके बाद वन वीक के बाद उनका फिर आया, मुझे टेक्स्ट आया, तो फिर उन्होंने मुझे वो बोला कि लेट्स मीट अप. तो गया मैं उनसे मिला, काफ़ी अच्छा लगा, बात बात हुई काफ़ी उनके साथ, और फिर उसके बाद फिर डिसाइड किया कि मैं साइंड हो जाता हूँ मैं. ओके. अभी 2 साल हो गए ना आपको? यस. yes, मुझे वो 2 साल हो गए. या right. क्या क्या फ़र्क यू नो आपकी लाइफ में और एज एन आर्टिस्ट आपने नोटिस करा कि जैसे पहले मैं इंडिपेंडेंट था, यू नो मैं हर हफ्ते एक रिमिक्स सॉन्ग अपलोड करता था, फिर यू नो मैंने ओरिजिनल बीट क्रिएट करना शुरू करा, काम करना शुरू करा, और फिर जब आप एक रिकॉर्ड लेवल पे साइन होते हो तो आपको मतलब क्या क्या एडवांटेजेस क्या क्या आपको मिले? इंडिपेंडेंट में बेसिकली क्या होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट्स हमें वो खुद से हमें वो क्रिएट वो करने पड़ते हैं, बिकॉज अगर तुम कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे. ठीक है, लोगों के साथ वो कनेक्ट करना, और तुम्हें वो चीज़ें अपने आप से वो प्लान आउट वो करनी मतलब वो पड़ती है, वो तुम्हें वो खुद से मतलब टीम को वो क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, तुम्हें हर एक चीज़ को प्लान आउट वो करना पड़ता है, और वो कभी कभी रिसोर्स अपना रिसोर्सेज का भी वो कभी कभी एक रहता है, एक फैक्टर होता है, क्योंकि तुम कभी कभी इंडिपेंडेंटली तुम रिसोर्सेज भी तुम ज़्यादा तुम वो कलेक्ट नहीं कर पाते, वो कभी कभी ऐसा होता है. ठीक है, बट लेवल में क्या होता है, लेवल में सब कुछ ऑलरेडी रहता है, सब वहाँ पे ऑलरेडी टीम रहती है पूरी. चेंजेस क्या हुआ कि काम भी मतलब डिफरेंट होता है वहाँ पे, बिकॉज इंडिपेंडेंट में आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते थे, वो कभी भी करो, बट लेवल में एक पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है, हमें उसको ये फॉलो अप करना पड़ता है. तो फिर ऐसा था, बट अच्छा लगा बिकॉज टीम भी है,
आर्टिस्ट भी काफ़ी अच्छे अच्छे, उनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, हम जैमिंग भी करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है, वो एक्सपीरियंस वो काफ़ी अच्छा लगता है। सही है, मतलब दोनों के आई थिंक अपने अपने फायदे, बट फायदे होते रहे। हाँ मतलब ये है कि यू नो अगर आप जा रहे हो किसी लेवल पर तो आप फुल उसके फायदे उठाओ। राइट राइट, ग्रेट भाई। एंड अगर मैं पूछूँ आपसे, यू नो बंटा रिकेट से बहुत सारे आर्टिस्ट है, टॉप आप टॉप थ्री फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ योर्स? वैसे तो बहुत मुझे सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट देखा जाए तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है, एक अलग अलग एक है उनका। बट मैं ज़्यादातर मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरे लिए कौन टॉप है। मैंने ज़्यादा काम मैंने गालिब के साथ किया है, तो फिर उसके भी गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने शेज़ के साथ किया है, फ्लोमो के साथ किया है। बताओ क्यों, मतलब गालिब क्यों पसंद है, शेज़ क्यों पसंद है? उनके साथ जब मैं वो काम करता हूँ तो फिर वो वाइब अलग ही रहती है, ठीक है। ऐसा तो मेरा सबके साथ रहता है, आर्टिस्ट मतलब लेबल में कितने भी सबके साथ मेरा वो वाइब अच्छा रहता है सबके साथ। फिर मैं जब गालिब के साथ बैठता हूँ तो फिर हमारा वो कनेक्शन काफ़ी अच्छा जमता है, और हमारे वो गाने भी मतलब जल्दी जल्दी वो क्रिएट होते हैं हमारे हमारे सॉन्ग्स भी। फ्लोबो का भी वही हो गया, फ्लोबो के साथ भी जब मैं वो काम करने हम लोग जब बैठते हैं तो फिर हमारा हमारे माइंड में वो काफ़ी कुछ रहता है, और फिर वो कम्युनिकेशन हमारा वो काफ़ी अच्छा होता है, तो फिर उसकी वजह से मुझे फ्लोबो का भी स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर वो शेज़ हो गया, शेज़ का भी थोड़ा न्यू स्कूल, उसका वोकल टोन भी वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो फिर मतलब ये तीन है, बट वैसे तो सब है ब्रो, मैं सभी भाई अपने ऐसे वो नहीं है, बट सबके साथ ऐसा सही भाई, यू नो दैट्स नाइस। आई थिंक यू आर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट हो, यू नो दैट्स अ गुड थिंग। इन तीनों के साथ वाइब मैच होती है मेरी, ये चीज़ें मुझे इन तीनों के अंदर पसंद, दैट्स व्हाई मैं इनके साथ ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, बट ये कभी ऐसा नुकसान भी हुआ आपको, मतलब जैसे बीफ हो रही है, डिस हो रही है, अब यू नो किसी और आर्टिस्ट को आपके साथ काम करना है, बट यार आप यू नो आई एम साइन टू दिस रिकॉर्ड लेबल, मैं नहीं कर सकता और ही बात होंगे यार, क्योंकि यार वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर राइट नाउ, यू नो इतने सारे ऑफर आते होंगे, बताओ ज़रा इसके बारे में। नहीं मतलब ऐसा है कि यू नो मैं एक लेबल में हूँ तो फिर मैं वो लेबल को मैं रिप्रेजेंट में करता हूँ। यस राइट सर, ठीक है। तो फिर मैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया वो लेबल, ठीक है। अभी अगर कुछ है, वो कुछ सीन हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ये वो नहीं है कि भाई मुझे इसका काम नहीं करना है, सारे अच्छे है भाई, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, मुझे मैं सबको बेस्ट सुनता हूँ, सबको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। बट होता है यार वो कभी कभी लेबल्स में भी कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमें वो भी हमें देख देख के वो चलना। हाँ मतलब यू हैव टू ऑनेस्ट या लाइक विद योर लेबल आल्सो, लेबल के हूँ तो फिर ऑफकोर्स हम अपने लेबल को मैं सपोर्ट मैं करूँगा, लेबल को मैं सबसे पहले उसको मैं वो प्रायोरिटी में दूंगा, टॉप पर रखूँगा, टॉप पर रखूँगा। यस ओके, काम तो आगे भी कर सकते हैं। हाँ यही है, बट सही है काम में किसी के साथ भी मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। हाँ। सभी अच्छा कर रहे हैं, सारे मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं ऐसा हूँ कि लाइक मैं सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं कभी सामने वाले मुझे रिस्पेक्ट देते हैं मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, तो फिर ऐसे काम के मामले में कभी ऐसा मैं दिखता नहीं, बट हाँ अपने लेबल को मैं ज़्यादा मैं प्रीफर मैं करूँगा। ओके, एंड टॉप फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपके, जिनके साथ आपको काम करना है, टॉप फाइव अगर मैं पूछूँ? मुझे जिनके साथ काम करना, हाँ ऐसे तो सभी है भाई देखा जाए तो, फिर भी मतलब एटलीस्ट यू नो टॉप फाइव अगर देखा जाए तो फर्स्ट इज बोहेमिया पाजी। ओके, उनके साथ काम है मेरा, मतलब काफ़ी टाइम से उनको मैं सुन रहा हूँ बचपन से, तो फिर मेरा एक है मतलब उनके साथ भी करना है। एंड फिर इमरान खान हो गए, इमरान खान के साथ भी करना है, डिवाइन के साथ भी करना है, सबके साथ ही करना है भाई, ऐसा कुछ है नहीं यार कि मुझे स्पेसिफिक इसी के साथ करना है या फिर यही है, ऐसा नहीं है भाई सबके साथ। हाँ बट मुझे लगता है कि एज अ बट आप प्रोड्यूसर है भाई, बिकॉज प्रोड्यूसर का काम होता है कि यू नो कि तुम अपने शोकेस वो करो अपना टैलेंट, अगर तुम रैपर को ही तुम अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे तो फिर भाई तुम मतलब ही क्या तुम्हारा, राइट ठीक है। और देखा जाए तो ब्रो म्यूजिक प्रोड्यूसर का काम होता है कि भाई अपने म्यूजिक को अपने जो वो बीट्स है उसको पुट आउट करना, और फिर वो देखेगा नहीं है कि यार ये वो कौन सा आर्टिस्ट है, ठीक है। मैं लाइक मेरा ऐसा है कि मैं देखता नहीं हूँ कि यार वो कौन सा आर्टिस्ट है, बट अगर वो आर्टिस्ट के साथ वो मेरी अच्छी जम जाती है तो फिर मैं उसके साथ में काम में करने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। सही, मतलब मोस्टली आपको सबके साथ काम करना। या मैं सबके साथ। ग्रेट भाई। या अच्छा भाई मेरे को बताओ कि किन किन यू नो आर्टिस्ट ने आपको सपोर्ट किया जब उन्होंने आपके यू नो रिमिक्स सुने? हाँ ऑलमोस्ट सब लोग ने किया था, सबसे पहले रफ्तार भाई का आया था। हाँ उन्होंने मुझे DM पे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। ओके हाँ, फिर
फिर उनके साथ मेरा अच्छा खासा हुआ, बातचीत हुआ उस टाइम पे. फिर उसके बाद डिवाइन वो भाई ने भी काफ़ी मतलब अपना इंस्टाग्राम पे मुझे वो काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब स्टोरीज वोरीज पे वो मेंशंस करना, शेयर वो करना वो बेसिकली. तो ऐसे उस टाइम पे काफ़ी सब लोग नहीं कहता भाई, क्योंकि उस टाइम पे शायद से वो कोई इतना वो कर नहीं रहा था, तो फिर मैं कर रहा था, तो फिर वो एक नई चीज़ हो गई थी. ठीक है, तो फिर ऑलमोस्ट सभी हो गए DHH में जो जो थे, सब लोग नहीं किया था. और फिर वो चीज़ देख के मुझे फिर मुझे और वो कॉन्फिडेंस हुआ अपने ऊपर कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी देखा नहीं भाई कि कौन सपोर्ट कर रहा है. मैं सबको इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वो ग्रोइंग स्टेज पे अगर तुम्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो एक काफ़ी बहुत अच्छी भी चीज़ होती है वो चीज़. आई थिंक दैट्स ग्रेट, जब आर्टिस्ट आपका काम पसंद करते हैं एंड दे शेयर इट. यस यस, वो एक पुश मिलता है, अलग पुश मिलता है. और ऊपर से हमें फिर और वो कॉन्फिडेंस भी आता है अपने ऊपर कि यार अगर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं सच में कुछ अच्छा काम अच्छा कर रहा हूँ, है ना. हाँ. मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. फिर जब लोगों ने शेयर किया तब मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे मेरे अंदर वो कुछ है, तो फिर मुझे और उसको पुट आउट वो करना चाहिए. तब जाके फिर मैंने और भी अपने आप के ऊपर मैं थोड़ा मैं फोकस किया अपने आप को, और वो बेटर वो करने का मैंने ट्राई किया उस टाइम पे. तो फिर वो एक आई गेस एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को बस एक वो पुश की नीड होती है. अगर उसको वो पुश मिल जाए ना तो फिर उसके लिए सब कुछ होता है वो चीज़. बहुत सही बात बोली आपने, मतलब वो आर्टिस्ट को ही पता होता है व्हाइल वर्किंग. यस भाई, यस, यू नो सब कुछ सही जा रहा है, ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू नो पीपल आर लाइकिंग माय वर्क, और मेहनत करता हूँ ये करता हूँ, फिर वो प्लान्स बना लेता है. प्लान्स बना लेता फिर आई थिंक प्लान्स के गोल्स होते हैं बेसिकली कि ये अचीव करना है. हाँ. अगर मैं पूछूँ आपसे अगले 3 सालों में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो, तो क्या क्या है ये आंसर? मैं वैसे तो मैं गोल्स मैंने रखे कि यू नो आई बी लाइक आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, एंड ऑल्सो मुझे इंटरनेशनली मुझे वो काफ़ी अपना अपने आप को वो ग्रो वो करना है. एंड ऑल्सो इन द लाइक अपने इंडिया में तो वो करना ही है, बट ऑल्सो मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन और डीजेइंग को लेके आई वॉन्ट टू बी लाइक मैं उसके लिए काम मैं कर रहा हूँ. और मेरा शुरू से ऐसी था कि मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैं बस अपना काम करता था. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो फिर वो चीज़ आगे जाके हमें थोड़ा 50-50 होती है. फिर मतलब वो अपने माइंड के साथ है ना, फिर वो चीज़ वो खेलती है कि यार अगर ये होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो सही, नहीं हो अगर तो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा. स्टार्टिंग से ऐसी था ब्रो, मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करता था. मैंने डाल दिया ऐसी डाल दिया मैंने, तो फिर वो एक चीज़ हो गया ना. फिर बाद में जाके है ना मुझे समझ में आया कि यार हम जब इतना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो फिर हमें उससे ज़्यादा हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना. आज भी ऐसे ही करता हूँ मैं, आज भी ऐसी है कि यार मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस अपना काम कर रहा हूँ मैं. और ऐसा नहीं कि वो गोल्स नहीं, ऑफकोर्स वो गोल्स रखे हैं मैंने कुछ. हाँ. बट मैं उस चीज़ को लेके उतना भी मैं ये वो नहीं रहता कि यार ये करना है वो करना है, बट अपना काम इंपॉर्टेंट है. जो आप अचीव करना चाहते हो ना उसको मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है. जरूरी है. तो हाँ, मतलब मैं आपको हाँ यू सेड ना कि आई वांट टू बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द सीन. इन द सीन. यस यस. तो उसको मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है. हाँ, लाइक अपने माइंड में जब हम अपने आप को वो पोजीशन पे अगर देख सकते हैं तो फिर हम अपने आप को वो पोजीशन पे ला भी सकते हैं. हमें अपने आप को वैसा भी ट्रेन वो करना चाहिए हमें अपने आप को. और वो एक चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी हर एक आर्टिस्ट को कि हमें अपने आप को एकदम वो कम नहीं समझना चाहिए, अपने आप को अलग हमेशा एक लेवल पर लेके जाना चाहिए अपने आप को. ऐसा मुझे लगता है कि एक अपने आप को एक लेवल पर रखना चाहिए और एक उतनी रिस्पेक्ट भी. हाँ, कि मैं इस लेवल पे हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंटेड है और अपने आप को भी एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए. हाँ, लाइक अपने खुद से चीज़ें और अचीव कर सकते. हाँ, अपने काम के हमें रिस्पेक्ट करनी हाँ. चाहिए. अगर हम अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो कोई नहीं वो करेगा. ब्रो वही ना, अगर आप खुद नहीं करो तो लोग क्या करेंगे? लोग उसे एक्सपेक्ट करना छोड़ लोग एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे. राइट, बट सही है भाई, आपने गोल्स सेट करके रखे हुए हैं. ऑल द बेस्ट कि आगे जाके चीज़ें सच हो सारी. थैंक यू भाई. आपका रियल नेम है अभिषेक. अभिषेक, ये रिफिक्स नाम की क्या स्टोरी है? रिफिक्स नाम का आई गेस सीन वो था कि उस टाइम पे जब मैं थोड़ा अपने आप को मैं सोच रहा था कि यार मुझे अपने आप को एक आर्टिस्ट नेम मेरा होना चाहिए वो खुद का. हाँ. तो फिर मैं काफ़ी सोच रहा था. और फिर मैं उस टाइम पे जब मैं लाइक मैं रिमिक्सेस मैंने सोचा था, मैंने काफ़ी टाइम से मैं ट्राई में कर रहा था. तो उस टाइम पे मैंने एक वर्ड देखा मैंने रिफिक्स. तो इट मीन्स कि रिफिक्स मतलब तुम किसी चीज़ को आपस से तुम उसको फिक्स वो कर सकते हो. ठीक है, ऐसे हमारे वो अपना सॉन्ग्स में भी होता है. हाँ. अगर कोई आर्टिस्ट वो किसी गाने का वो कवर करे तो फिर उसको भी वो रिफिक्स ही बोलते हैं. तो फिर वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक काफ़ी डिफरेंट लगा कि भाई वो साउंड अच्छा कर रहा है.
बट ये वाला नीम मैंने काफ़ी बहुत पहले मैंने रख लिया था। आई गेस मेरे मैं जब इलेवेंथ में था, इलेवेंथ क्लास में मैंने जब एफ एल स्टूडियो सीखा था, मैंने उस टाइम पे अपना नाम मैंने रिफिक्स लग दिया, मतलब रख दिया था। मैंने मेरे इंस्टा के मतलब यूजर नेम मैंने रख दिया था रिफिक्स। तो फिर ये वाला नाम मैंने काफ़ी टाइम से ही सोच के रखा था, तो बाद में जाके फिर लगा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, तो फिर यही रख दिया। फिर वही ना, मैंने पूछा क्योंकि बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि गाने में अच्छा गाने में बाद में आया था ये इस गाने का रिफिक्स है। हाँ, एक ट्रेंड आया था जब रिफिक्स सॉन्ग्स बहुत बन रहे थे। वो भी मेरे माइंड में आया था चीज़ कि यार ये सब लोग शायद से उससे वो कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये किए है। बट फिर बात हुई यार कि तुम अगर अपने आप को तुम उस लेवल तक लेके जाओ ना, तो फिर तुम्हारे नाम का मतलब ही वो कुछ और होता है। तुम्हारे नाम से फिर मतलब वो टर्म से ही तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम पहली आनी चाहिए। घर पे सब ज्यादा किसकी क्लोज हो आप? घर पे मम्मी के, ऑफकोर्स मम्मी के। बेटे का वो कनेक्शन मोस्टली मम्मी से ज्यादा होता है, बिकॉज मम्मी का यू नो एक मतलब वो रिलेशन ही अलग होता है। हाँ, तो माँ एक तो माँ बेटे का रिलेशन बहुत अलग है, बहुत ही अलग होता है, और ऊपर से आंटी जी भी आर्टिस्ट है। हाँ, और इसलिए मुझे काफ़ी सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन ने किया सपोर्ट, मेरे एक दो दोस्त हो गए वो काफ़ी एकदम क्लोज दोस्त, और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से आगे इसमें काफ़ी अपने आप को मैंने बहुत फोकस किया है मैंने, बिकॉज मैंने ये देखा यार कि कुछ कुछ आर्टिस्ट लोग हैं ना जो अभी अंडरग्राउंड है, उन लोग के पेरेंट्स उनको उतना उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उनको ना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनको है ना फिर चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को, फिर वो घर से बस उनको थोड़ा यू नो उनका फिर माइंड ही उनका कुछ अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। और मेन चीज़ तो भाई वही है कि घर का वो सपोर्ट सबसे वो बड़ा होता है, वो होता है कि आपकी हसल थोड़ी कम कर देता है। हाँ, वो थोड़ा आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, और मेन चीज़ क्या होता है कि अपने को वो गाइड वो करने वाले हमारे वो घर में ही है, और उनसे अच्छा वो गाइड हमें और वो कौन कर सकता है। होता है मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मी से वो बैठ के पूछता हूँ कि मम्मी मुझे आ गया और क्या वो करना चाहिए। कभी अपनी वो अपना वो बहन से मैंने पूछ लिया कि तुझे क्या लगता है वो मुझे भी और क्या क्या वो क्या करना चाहिए, तो फिर उनका मुझे एकदम स्टार्टिंग से ही सपोर्ट मिला। मेरी वो मम्मी ने तो काफ़ी ज़्यादा ही किया आपको सपोर्ट। सही, आंटी जी को मतलब आप सुनाते हो एक्सक्लूसिव गाना कि ये बनाई है रिमिक्स है? सबसे पहले वही होता है भाई, मैं वो अपने मैं स्टूडियो में होता हूँ, मतलब वो घर पे होता अपने। हाँ। मम्मी का आवाज़ आता ही रहता है ना, मेरा रूम मेरा ब्लॉक रहता है बट मम्मी का आवाज़ आता रहता है, तो मम्मी आती है वो सुनती है तो फिर वो पूछती है कि इसका है कि एमिवे का है कि इसका है कि क्या कर रहा है, मतलब रिमिक्स भी पता वो चले जाते हैं। हाँ। तो मैं मम्मी से मैं फीडबैक तो मैं लेता ही हूँ कि मम्मी आप बताओ कैसा लग रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है, तो फिर वो एक अच्छा लगता है क्योंकि यार अगर साथ में वो पेरेंट्स हैं जेन्युइन फीडबैक तो जेन्युइन। हाँ, रिजेक्ट करा कभी आंटी जी? नहीं भाई, ये मज़ा नहीं आ रहा इस पर, ये छोड़ दो। हुआ है, मतलब कभी कभी हुआ है कि मम्मी बोलती है कि यार ये थोड़ा इसको थोड़ा इसमें ऐसा कर उसमें ये थोड़ा वैसा कर, तो फिर वो चीज़ को मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ क्योंकि एक रहता है ना भाई कि हमें ना हर एक एज ग्रुप का है ना हमें एक फीडबैक कभी लेना चाहिए कि यार हमारे एज के लोगों को वो म्यूज़िक वो कैसा लग रहा है, हमारे कि हमसे थोड़े जो ओल्ड लोग हैं उनको म्यूज़िक वो कैसा लग रहा है। Right. अब जैसे हम साउंड टेस्ट करते हैं, ठीक है, हम ये फ़ोन में लाइक जो मिक्स मास्टर करता है या फिर कोई बीट को वो प्रोड्यूस करता है, तो फिर हमेशा वो माइक चेक तो मतलब अपना साउंड चेक तो वो करता ही है, माइक में हम लोग माइक चेक करते हैं। वैसे ही आई गेस ये एक फीडबैक के लिए हमें डिफरेंट एज ग्रुप्स को हमें टारगेट करना चाहिए, तो फिर हम एक अच्छे से हमें एक मिक्स रिएक्शन मिलता है कि वो कैसा है। हाँ, पता चल जाएगा, मतलब ये नो इस ये जो टी जी है इस एज की, ये भी इंजॉय कर रही है, ये भी इंजॉय कर रही है, वो भी इंजॉय। हाँ, थोड़े से जिनकी एज और है वो टी जी भी इंजॉय कर रही है। हाँ, वैसा हो गया। ग्रेट यार, आंटी जी खुद एक आर्टिस्ट है तो यू नो अच्छे से आपको फीडबैक देती है और भी आई थिंक एडिशनल टिप्स भी दे दूंगी, ये बेटर हो सकता है करके। एक कोलैबोरेशन जो मुझे लगता है कि हम सब देखना चाहते हैं, आंटी जी के वोकल्स और आपका म्यूजिक, कुछ कभी सोचा कि ये कोलैबोरेशन मुझे करना चाहिए? हाँ, प्लान किया था मैंने। अच्छा, आई गेस क्या हो गया था कि मेरी वो मम्मी का 2018 जब मैं 12th में था तो मम्मी का बैक का ऑपरेशन हो गया था, उनको सर्जरी हो गई थी उनके स्पाइन में,
तो वो फेस काफी टफ था मेरे लिए लाइफ में, बहुत बहुत टफ था मेरे लिए वो फेस। तो उस टाइम पे वो मम्मी को एक दो साल तक वो बेड रेस्ट, एक दो साल तक कंप्लीट बेड रेस्ट। तो फिर उसके वजह से वो मम्मी का एक सिंगिंग का एक प्रैक्टिस भी वो मम्मी का एकदम छूट गया। तो फिर अभी वो मम्मी काफ़ी अच्छे से रिकवर वो कर गई है। तो फिर अभी आई गेस मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि वो करते, लाइक होता है वो कभी कभी रात को मम्मी आती है तो मम्मी कुछ वो गाने लग जाती है, तो मैं बोलता हूँ कि मम्मी आ जाओ हेडफोन लो रिकॉर्ड करो कुछ, तो फिर वो मम्मी भी रिकॉर्ड करती है। और मेरे वो पापा भी वो मतलब सिंग वो करते हैं मेरे पापा भी। अच्छा, अंकल जी भी आर्टिस्ट है? मतलब आर्टिस्ट है, उनको सिंग करना वो काफ़ी अच्छे से आता है। ओके, तो फिर वो कभी कभी वो पापा और वो मम्मी डुएट गाती है। अरे सही। तो वो रिकॉर्ड करता हूँ, अच्छा लगता है वो सुनने में, मतलब उन लोग का भी। हाँ, एज अ सैंपल भी यू नो आप यूज कर सकते हो। पर अभी अभी आंटी जी ठीक है? अब एकदम मतलब सही है, अभी अच्छे से है, पहले से वो काफी अच्छी है अभी। अगर ये कोलैबोरेशन आप सब लोग देखना तो नीचे प्लीज कमेंट करें। दैट्स ग्रेट यार, मतलब यू नो घर पे देखो सबसे अच्छा ये होता है ना कि अगर घर पे आपकी म्यूजिक है ना और सपोर्ट करने वाले हैं तो आपके काम में वो दिखता है। मुझे तो कि वो उसमें और जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया, हो गया वो वैसा हो गया था। हाँ वैसे ही हो गया, क्योंकि मैंने वो चीज़ नोटिस किया, बिकॉज मम्मी ने मुझे आज तक जो भी सिखाया तो वो लाइफ में वो बहुत वो काम आया, लाइक म्यूजिक वाइज में अगर मैं कहूँ। क्या अगर तीन टिप्स हाँ आप यू नो बताना चाहो, हाँ जितने भी जो यंग प्रोड्यूसर है जो आंटी जी ने आपको दिया आप आगे यू नो फॉरवर्ड करना चाहते हो? मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि तू जो कि तू जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना उसको पूरा 100% दो, उसको ऐसे मत रखो कि यार इतना हो गया बस उतना ही मैं करूँगा, उसको 100% दो पूरे मन से। जब तक तुम्हें वो खुद को सेटिस्फाई नहीं होता ना तब तक उसको वो छोड़ो मत। ओके, चाहे वो पूरा चाहे मतलब सब लोग बोले हाँ भाई अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, बट तुम्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो फिर उसको वो कंप्लीट करो, वो सेटिस्फेक्शन उसको आगे मत भेजो, आगे मत। हाँ बात वही है, क्योंकि मम्मी के साथ भी ऐसा होता था कि मम्मी जब अगर वोकल ट्रेनिंग कर रही है, अगर कुछ वो प्रैक्टिस कर रही है वो किसी वो गाने का, अगर वो कुछ पार्ट वो मम्मी का अच्छे से नहीं हो रहा है तो मम्मी रुकती थी कि नहीं है ये मेरा अच्छे से नहीं है इसको मैं और भी प्रैक्टिस करती। तो एक चीज़ मुझे समझा कि यार अपने आप को पूरा उसको 100% दे दो जितना तुम कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, मॉम ने ऐसे ही बताया था कि यू नो इंडस्ट्री काफ़ी इंडस्ट्री में बहुत कुछ है, इंडस्ट्री में यू नो तुम जाते हो तो इट्स लाइक अ पिट है वो अंदर, तुम जितना अंदर जाओगे उतना बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए वो काफ़ी कुछ है। तो फिर ये एक चीज़ माइंड में मतलब वो आई मेरे तब, फिर जब मैंने ये सब ये फेस किया इंडस्ट्री में आके तो वो एक चीज़ मुझसे वो कनेक्शन हुआ कि मम्मी बोलती थी कि यू नो कि तू कहीं भी जा रहा है तो ज़रा एकदम अच्छे से जाया कर, यू नो तू आजू बाजू देख कि लोग क्या मतलब क्या हो मतलब वो कर क्या रहे लोग आजू बाजू देख अपने कीन ऑब्जर्वेशन। हाँ ऑब्जर्वेशन रखो कि तुम्हारे म्यूजिक को लोग वो कैसे देख रहे हैं है ना, अगर वो कुछ भी है तो फिर वो एक चीज़ मम्मी ने मुझे बता के रखी थी। सही। एंड द थर्ड लास्ट वन, ऐसे तो काफ़ी कुछ है यार, काफ़ी कुछ है। मम्मी ने और एक चीज़ बोली थी कि तुम अपने अपने आप को एक्सप्लोर करो, बिकॉज मैं पहले से हिप हॉप करता था ठीक है, तो फिर नहीं, पहले बॉलीवुड फिर हिप हॉप। हाँ नहीं नहीं म्यूजिक हाँ नहीं वैसे बट लाइफ में तो पहले बॉलीवुड चेंजेस आया हिंदी म्यूजिक पहले नया नया आया। हाँ तो फिर मम्मी ने ऐसे ही बोला कि तू अपने आप को है ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते जाओ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी ट्राई कर जो तूने कभी मतलब ट्राई नहीं किया। तो फिर वो एक चीज़ मम्मी ने मुझे वो बताया तो फिर मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है मतलब अपने आप में, और फिर वो चीज़ मुझे वो काफ़ी वो काम भी आई आगे जाके। सही। यू नो आई थिंक आंटी जी ने काफ़ी बेहतरीन टिप्स दी है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब आप किसी को यू नो टिप देते हो तो मुझे लगता है कि वो आप अपने बहुत जो जर्नी रही है एज एन आर्टिस्ट की जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे ही आप निकाल के देते हो। राइट राइट राइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट यार। सही भाई, जैसे इंडस्ट्री में ना गोस्ट बहुत होता है, गोस्ट काम चाहे गोस्ट राइटिंग हो, गोस्ट प्रोड्यूसर्स बहुत होते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ आपने किया पैसों के लिए, या एक्सप्लॉयटेशन भी होता है करवा दिया पैसे नहीं दिए? हाँ नहीं मतलब ऐसा तो मैं ये फिलहाल तो मेरा कुछ प्लान नहीं है, बिकॉज मैं अभी एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि जहाँ मुझे मेरे लाइक मैं ग्रोइंग में स्टेज पे हूँ, और मेरे लिए लाइक अपना नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि तुम अपने ये नाम को चाहे मतलब
जितना हो सके तुम उसको अपने आप को वो पुश करो. तो मैं सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरा काम कि मेरे नाम को मैं कितना मैं पुश में कर सकता हूँ. तो फिर ऑफकोर्स वो अपने काम के ऊपर ही डिपेंड होता है, ठीक है. बट ऐसा गोस्ट प्रोडक्शन वाला जो है ये मतलब ये सब है कभी भी किसी ने अप्रोच तो नहीं किया है. बट मैं ये फ़िलहाल तो मैं करूँगा नहीं, बिकॉज मैं अभी मैं खुद के म्यूज़िक को मैं काफ़ी मतलब मैं ज़्यादा उसको मुझे आउट करना है. तो फिर ये चीज़ मतलब है हिप हॉप होता है ऐसा इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में होती है सब चीज़ें, पैसे के लिए भी होता है. हाँ वैसे भी होता है, कुछ कुछ लोग अपने आप को यू नो बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए भी वो करते हैं है ना. मतलब वो गोस्ट प्रोडक्शन को किसी और से वो करा लेंगे बट वो नाम अपना. हाँ वही बोल रहा हूँ, आपने किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी प्रोड्यूसर के लिए गोस्ट वो करा कभी? नहीं नहीं मैं कभी मैं करूँगा भी नहीं, बिकॉज मैं वो चीज़ के लिए मैं कभी मैं वो खुद को तो मैं कभी मैं ऐसा मैं अप लेके आऊँगा नहीं वो चीज़ को लेके. बिकॉज बंटा रिकॉर्ड्स से काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है इसलिए इनको बाहर गोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सच है ना? हाँ मोस्टली तभी आर्टिस्ट करता है या तो देखो. हाँ होता है भाई. हाँ, बात पैसों के लिए भी करता है. सही है. हाँ. अगर देखा जाए अगर कोई है आर्टिस्ट है वो काफ़ी टाइम से कर रहा है. हाँ. और अभी उसको एक मतलब एक फाइनेंशियली उसको वो काफ़ी और कुछ चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग yes. चाहिए. तो फिर ऑफकोर्स वो एक ये एक वे है जो चूज़ वो कर सकता है. राइटर्स का भी सेम है कि वो गोस्ट राइटिंग भी वो कर सकता है. तो ये सब चीज़ें ठीक है भाई, वो सब अपना पर्सनल होता है भाई. वो हाँ वो पर्सनल डिसीजन होता है और वो उसका लाइक वो आर्टिस्ट अगर वो कर रहा है तो फिर वो उसकी है भाई, उसकी वो मर्जी है. ठीक मर्जी है. हाँ वो ये ना आई नो लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो करते हैं गोस्ट प्रोड्यूसर जो गोस्ट प्रोड्यूसर हाँ, हाँ, और वो उनको अच्छा पैसा मिलता है और दे हैव सेंट ब्लड. कुछ लोग भाई ऐसे होते हैं उन्हें ना सिर्फ लाइफ में उन्हें पैसे से ज़्यादा वो मतलब होता है लाइक यू नो अपने आप को फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना. हाँ क्योंकि बिल्स तो आपके आपके पैसे से ही पे करो. सही 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 तुम है। सही है भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है. मैं कभी ऐसा उसको मैं वो गलत मैं देखता नहीं हूँ. है वो है भाई ठीक है, बट सबका ही वे है भाई अलग है. आप वो टेंशन नहीं, नहीं मुझे सही है. अभी आप कौन कौन आर्टिस्ट को आप सुन रहे हो DHH में से? ऑल ओवर. अभी देखा जाए तो मैं बहुत कम मैं सुनने लग गया हूँ अभी आर्टिस्ट को, बहुत कम मैं सुनता हूँ. एक होता है कि मतलब एक अगर वो कोई आर्टिस्ट अगर कोई देख रहा है उससे फिर वो कनेक्ट मतलब होएगा कि जब तुम एक आर्टिस्ट होते हो ना तो फिर तुम अपने आप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ये फोकस रहता है. बट अगर प्ले लिस्ट की बात करें तो फिर मैं ज़्यादातर सिद्धू मूसे वाला हो गया, उनको मैं काफ़ी मैं सुनता हूँ. वही मैं गोपाल जी हो गए, उनको मैं काफ़ी सुनता हूँ. मतलब मैं सबको ही मैं सुनता हूँ. मतलब हर एक आर्टिस्ट का मुझे एक मतलब एक गाना तो एटलीस्ट है जो मैं उसको काफ़ी मैं सुनता. हाँ वही ना, क्योंकि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर जब तक आप नए नए आर्टिस्टों को नहीं सुनोगे तो आप अपडेटेड नहीं रहोगे. अपडेटेड और दूसरा है कि हाँ भाई ये इसकी वाइब मेरे से मैच कर रही है, मैं इसको ना बीट भेज सकता हूँ, मैं इसके साथ कोलैब कर सकता हूँ. तो है भाई ऐसे है ऐसे मैं वो कभी कभी मैं कर देता हूँ भाई. मैं किसी को भी अगर मुझे उसका रिकमेंडेशन आ गया, वो कभी इंस्टा पे हो गया, वो कभी यूट्यूब पे हो गया, उसको मैं लाइक मैं कमेंट में कर देता हूँ. मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक उसको अच्छा लगे, उसको एक चीज़ उसको लगे तो कभी कभी उसको मैं कर देता हूँ. ठीक है. और इंटरनेशनली भी मैं कभी कभी मैं कनेक्ट करने का ट्राई मैं करता हूँ. मुझे कुछ कुछ लोगों का ये वाइब अच्छा लगता है. तो सिद्धू पाजी को बहुत सुनते हो, भूमि पाजी को सुनते हो? यस. इसके अलावा इंटरनेशनल आर्टिस्ट कौन है जो? मैं मोस्टली मैं लिलविन को मैं सुनता हूँ. लिलविन हो गए, लिलविन हो गए, 50 सेंट हो गए. मैं ज़्यादातर अपने ओल्ड स्कूल हिप हॉप को मैं ज़्यादा मैं सुनता हूँ. मैं न्यू स्कूल को उतना नहीं मैं सुनता है. मतलब न्यू स्कूल में काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट है बट मैं उतना नहीं मैं सुनता लाइक जो आज का जो हिप हॉप है. ठीक है. मतलब जो 2013 के जो आर्टिस्ट है उतना नहीं सुनता है. वो कुछ कुछ है वो काफ़ी अच्छे भाई, मैं उनको मैं सुनता हूँ. बट मैं मोस्टली मैं ज़्यादा ओल्ड स्कूल में सुनता हूँ, बिकॉज मैं बचपन से मैं इतना मैं ओल्ड स्कूल में सुनते आ रहा हूँ ना कि मुझे उससे एक मतलब एक डिफरेंट अटैचमेंट हो गया. हाँ मतलब वही है देखो, जो बचपन की चीज़ें तो बहुत प्यारी होती है, वो आपके दिल के क्लोज होती है. क्लोज चाहे वो म्यूज़िक हो गया या यू नो और भी चीज़ें, जैसे आपके जो चीज़ें उस टाइम पे आपने देखी है स्पेशली राइट जिनसे आप अटैच हो, तो वो बहुत क्लोज ही रहती है. क्लोज ही रहती है. तो फिर इसलिए मैं ज़्यादातर मैं सब ओल्ड स्कूल ही मैं सुनता हूँ. बट मैं वो प्रोड्यूस में न्यू स्कूल वो करता हूँ भाई. ज़्यादा मैं करता हूँ मैं न्यू स्कूल, वो डिफरेंट बात है. बट मैं ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट को मैं ज़्यादा मैं सुनता हूँ आज के टाइम पे. ग्रेट. और अगर मैं पूछूं कि कौन सा म्यूज़िक प्रोड्यूसर या बीट प्रोड्यूसर आपको लगता है कि ना ही इज़ माय कंपटीशन, मुझे यू नो ये बंदा लगता है इसका काम ज़बरदस्त है, आई थिंक ही इज़ माय कंपटीशन, मुझे अपना गेम ही मुझे और इस लेवल अप करके रखना चाहिए, कौन है ऐसा लाइक कंपटीशन तो मैं देखता नहीं हूँ. बट हाँ एज अ अगर मुझे उससे कुछ सीखने मिल रहा है हाँ तो फिर ऐसे
है, लाइक है प्रोड्यूसर है वो कुछ कुछ अंडरग्राउंड प्रोड्यूसर. मैं रिसेंटली मैं अंडरग्राउंड में प्रोड्यूसर्स को मैं एक्सप्लोर कर रहा था. एक से एक वो टैलेंट है भाई, एक से एक वो टैलेंट. मैं जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ भाई वो कब उनको भी ये थोड़ा नाम बताओ यार, मैं भी सुनूँ ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो भी सुने. हाँ यार बात करूँ तो फिर कुछ कुछ है प्रोड्यूसर्स, जैसे एक वो टंडन करके एक बंदा है, वो टंडन बीट्स करके भाई उसके भी काफ़ी अच्छे वो बीट्स हैं. तो फिर एक और अपने कुछ है मतलब मेरे एरिया के कुछ लड़के लोग हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छा अच्छा वो कर लेते हैं. और मेनली मैं अगर मैं किसी प्रोड्यूसर को मैं देखता हूँ कि मतलब हाँ भाई मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखना है, तो फिर वो डॉक्टर ड्रे हो गए. यस सर, काफ़ी कुछ. हाँ उनसे काफ़ी कुछ सीखना हो गया. फिर मेट्रो हो गया, मेट्रो DHH में तो भाई सारे अच्छे प्रोड्यूसर है भाई. DHH में भाई मैं किसी को मैं देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि यार मैं सबसे कुछ मैं सीखता रहता हूँ भाई. सबके साथ मेरा कुछ कि हाँ मैं इसको मैं सुन रहा हूँ तो फिर इसकी मतलब कि मतलब इसके म्यूज़िक में ही मुझे ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर उसको मैं अडेप्ट करने का ट्राई करता हूँ कि हाँ ये एक चीज़ अच्छी लगी मुझे उसकी. एंड अगर पूछूँ मैं कि ड्रीम कोलैबोरेशन किस आर्टिस्ट के साथ यू वांट टू डू? ड्रीम आई गेस ड्रीम कोलैबोरेशन लिल वेन और ड्रेक होंगे. लिल वेन ड्रेक, यस ग्रेट. और किसी अगर बीट प्रोड्यूसर के साथ कोलैब करना हो? एक प्रोड्यूसर है टैंक गॉड वो करके. ओके टैंक गॉड वो करके मुझे उनके साथ एक बार करना. सही है, दैट्स ग्रेट यार. मतलब यू नो वो होता है वही से मैनिफेस्ट की बात करते. हाँ मतलब मैं अपने आप को मैं थोड़ा लिल वेन एंड ड्रेक के साथ. ग्रेट, सही भाई. एंड भाई जाने से पहले मैं चाहता हूँ जितने भी यू नो यंग प्रोड्यूसर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे, यू नो किस किस सॉफ्टवेयर पे करना चाहिए, क्या मतलब स्पेशल टिप्स जो उनको काम है व्हाइल वर्किंग? आई गेस जब अगर कोई न्यू प्रोड्यूसर है तो फिर उसको वो पहले एक चीज़ मतलब एक क्लियर वो करना चाहिए कि तुम्हें इस कि तुम्हें ये चीज़ को है ना काफ़ी मतलब यू नो उसको एक स्लो प्रोसेस लेके जाओ. चीज़ों को यू नो क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो फिर उसको ज़रा टाइम दो. बिकॉज मैं आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ वो प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने आप को यू नो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो करते हैं है ना, स्ट्रेस वो देते हैं कि यार हो नहीं रहा है. बिकॉज उनसे वो पेशेंस नहीं होता. वो मेन काम ही होता है एक आर्टिस्ट के लाइफ में वो पेशेंस होता है. ठीक है, तुम अपने आप को लाइक पेशेंसली तुम मतलब अपने आप को वो पेशेंटली मतलब काम वो करो. एंड सेकेंड थिंग इज़ टू वर्क विथ डिफरेंट पीपल, चाहे मतलब कोई भी हो गया, चाहे वो कोई एरिया का आर्टिस्ट हो गया, उसके साथ ज़रा काम करो, उसके साथ मतलब उसके साथ ज़रा जैमिंग करो. तो फिर ऐसा अब क्या होता है कि हमें ना लाइक एक और हमें लाइक लोगों के साथ एक लाइक एक प्रोड्यूसर का सबसे एक वो जो रहता है ना एक मेन चीज़ कि तुम्हारे आर्टिस्ट के साथ वो कैसा रिलेशन हो रहा है. ठीक है, तो फिर तुम वो सीखो कि तुम्हारे आर्टिस्ट के साथ वो रिलेशन वो कैसा होता है और उसको वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं है ना. एंड सेकेंड थिंग इज़ लर्निंग को वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए. बिकॉज लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई, चाहे तुम किसी भी स्टेज पे हो. मैं बहुत कुछ मैं सीखता हूँ. आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अब तक सीखी नहीं है. बट फिर वही होता है कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में एक रहता है ना कि एक बिहेवियर होना चाहिए सीखने वाला एक बिहेवियर. आई थिंक वही ना, सीखने की तो फिर कोई एज नहीं है और जितना आप सीखोगे उतना ही अच्छा है और नेक्स्ट लेवल जाते एक्सेल हो जाओगे है ना. एक वो हो गया और बाकी अगर चीज़ें हैं देखने जाए तो यू नो मैं वो पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि बीट प्रोड्यूसर्स मोस्टली वो लोग हैं यू नो हमेशा वो बिहाइंड द कैमरा होता है या फिर वो बिहाइंड द यू नो एकदम बैक एंड में रहते हैं हमेशा. तो फिर मैं एक ऐसा लाइक मैंने ऐसा सोचा कि मैं एज अ प्रोड्यूसर एक मैं सामने आऊँ, एक फेस में लेके मैं सामने आऊँ. ठीक है, सबका अलग अलग है. वो कुछ कुछ बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं. ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग में था, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था. बट फिर बाद में मैंने सोचा कि एक फेस वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, एज एन आर्टिस्ट तो मुझे लगता है कि आपको हर जगह होना चाहिए. जैसे मैं अभी जैसा मैं बात ही करता, कल संभा अप्रूर था, मैंने बॉम्बे में खतरनाक सीन हो गया. तो मैं वही हम बात करते ऑफ द कैमरा, मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट को जाके ना गिग्स अटेंड करने चाहिए, अटेंड करनी चाहिए. दूसरे आर्टिस्ट को देखने चाहिए कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है, यू नो एक लर्निंग आपके लिए. लर्निंग स्टेज प्रेजेंस क्या होती है, स्टेज प्रेजेंस क्या होता है. वो पहले वो मेरे साथ बेसर था कि मैं स्टेज प्रेजेंस में काफ़ी मैं थोड़ा मैं यू नो काफ़ी मैं ज़्यादा मैं स्ट्रगल में करता था. वो पहले मैं लोगों के सामने ऐसा बात वो करने के लिए मुझे ये थोड़ा लेकिन होता था, वो प्रॉब्लम होता था. बट फिर मैंने स्लोली मैंने मतलब वो कोप अप किया. और देखा जाए तो मैं वो बचपन से मैं डांसर था, तो फिर मैं स्टेज पर मैं डांस करता था. तो फिर वो एक चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि यार तुम स्टेज पर हो,
स्टेज पे वो लोग तुम्हें अब देख रहे हैं, तुम्हारे लिए लोग यू नो वेट कर रहे हैं तुम्हें देखने के लिए. तो वो एक चीज़ मेरे अंदर था कि यार अगर इफ़ आई लाइक इफ़ आई बी अ वो प्रोड्यूसर तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक फेस वैल्यू भी हो साथ में नाम के भी. सो तो फिर मैं ट्राई करता हूँ यू नो, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे अगर मैं कुछ रीमिक्सेस में डालूँ, मैं कुछ भी मैं डालूँ तो फिर मैं ट्राई वो करता हूँ कि मैं अपने आप को मैं प्रेजेंट करूँ लोगों के सामने. तो वो हाँ, मतलब जरूरी भी अपने आपको दिखाना है, एटलीस्ट आप कहीं गए इवेंट में लोग आपको पहचान लें, इसी बहाने आपके कॉन्टैक्ट हो जाए, राइट. सबका अपना ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यार तुम्हें वो करना ही चाहिए. बट एक सजेशन है कि अगर तुम ट्राई वो करो तो फिर जरा लाइक तुम ये ट्राई वो कर सकते हो, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो सकती है. मैं भी अग्री कर रहा हूँ इस बात पर, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपका बहुत जगह दिखना जरूरी है. जरूरी है, राइट. और इससे लाइक क्या होता है पता है, उससे फिर हमें अपना ये फीडबैक भी मुझे मतलब मिलता है हमें वो काफ़ी ज़्यादा, कि अगर तुम किसी आर्टिस्ट के पास जा रहे हो तुम उससे लाइक यू नो वाइब कर रहे हो तो फिर है ना वो तुम्हें समझ में आता है कि आर्टिस्ट को क्या क्या चाहिए रहता है. सारे आर्टिस्ट लोग का डिफरेंट उनका एक रहता है, ठीक है. तो फिर मैंने ये भी चीज़ मैंने सीखी है ऐसे टाइम पे कि यू नो जब तुम अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर लोगों के सामने तुम वो प्रेजेंट करते हो तो फिर एक तुम्हारा एक अलग ही ऑरा होता है. नाइस टिप्स आपने दिए. एंड कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड कि ये सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है या ये बेस्ट है, आप तो मैं सिर्फ FL यूज़ करता हूँ. मैं एज FL यूज़र मैं सबको ही बोलूँगा कि यार ट्राई वो करो, अच्छा है. मतलब सारे सॉफ्टवेयर कल्ट भी है ना, सारे. हाँ मतलब कल्ट सॉफ्टवेयर है बचपन से लाइक बहुत से लोगों ने वही ट्राई किया होगा, आज भी लोग कर रहे होंगे. बट आई गेस सबका अपना चॉइस रहता है, ट्राई करो. मैंने पहले शायद से मैंने क्या किया था, मैंने क्यूबेस था तो एबल्टन मैंने ट्राई किया था. एबल्टन अच्छा, क्यूबेस भी अच्छा. बट एबल्टन मुझे उतना जमा नहीं, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है. मतलब सबका अपना अपना होता है. ओल्ड स्कूल वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है, लाइक उसके जो इंटरफेस है वो एकदम ओल्ड स्कूल है. मतलब वो पूरा ठीक है, तो फिर वो मुझे उतना जमा नहीं है. तो फिर मैंने FL ट्राई किया, FL मुझे अच्छा लगा. सबका अपना अपना होता है, बट ट्राई वो करो भाई, क्योंकि ऐसा रहता है ना, क्योंकि कभी कभी अपन कुछ चीज़ें हम ट्राई नहीं करते हैं, हम जान ही नहीं पाते. हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगा. हाँ ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है. एबल्टन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था कि उसमें सब एकदम मतलब उसका जो अपडेट्स होते थे वो काफ़ी अच्छे होते थे. एबल्टन के अपडेट्स होते थे एकदम अच्छे अपडेट्स होते थे एबल्टन के. और FL में बस मुझे अच्छा लगा कि यार वो थोड़ा इजी टू एक्सेस है, उसमें एक्सेस थोड़ा इजी मिल जाता है. सबका अपना अपना है, बट मेरे लिए वो चीज़ हुआ उसमें. ओके आई थिंक भाई का यू नो साफ कहना है कि एक्सप्लोर करो. हाँ जाओ यू नो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर, वहाँ जाकर आपको क्या अच्छा लग रहा है वो फिर आपकी चॉइस है, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो वैसे यूज़ करो. वो चॉइस है अपनी वो चॉइस है. सही. अच्छा भाई टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. फ्यूचर में क्या क्या रहा है, EP की तैयारी कर रहे हो, एल्बम या सिंगल्स या रिफिक्स? रीमिक्सेस तो आते ही रहेंगे, वो तो है ही. वो तो मैं कुछ भी माइंड में आया तो फिर मैं अपलोड में कर दूंगा. बट अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ब्रो लाइक आ रहे हैं वो कुछ आर्टिस्ट के साथ भी आ रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट्स. बंडा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट या उनसे बाहर भी? बंडा रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट के साथ तो आ ही रहे. हाँ बट जो बाहर के आर्टिस्ट हैं मेरे, उनके साथ सबके साथ बातचीत है. हम लोग कभी अगर हमें अगर टाइम मिलता है तो फिर हम जैम भी वो करके फिर कुछ ना कुछ तो वो क्रिएट कर ही देंगे. और है मतलब एक दो मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अभी डिस्क्लोज नहीं मैं करना चाहता. गॉट इट. जब तक बाहर ना निकले. हाँ राइट. ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट भाई आपके यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. थैंक यू भाई. एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट Season 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो तो खाली हाथ मैं जाने नहीं दूंगा. सिम्बा की तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट है ये भाई. थैंक यू भाई. थैंक यू. यस सर. एंड राज जोन्स और अर्बन मंकी की तरफ से आपके लिए कुछ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ग्रेट भाई. एंड फर्स्ट टाइम आप यू नो मेरे पॉडकास्ट भाई, कैसा लगा भाई बताओ यार? भाई एकदम अच्छा लगा भाई आपको. मैं लाइक काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ तो अच्छा लगा भाई आपके साथ. ये तो भाई भी अलग होती है भाई आपके साथ, काफ़ी अच्छा लगा भाई. थैंक यू भाई. ऑल द बेस्ट भाई. फ्यूचर में खतरनाक काम करो. थैंक यू भाई. थैंक यू. थैंक यू. पीस.